नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया विद पीके चैनल में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त पुष्पेंद्र कुमार। और आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले के कुटनासर गांव में, और हमारे साथ हैं किसान भाई कैलाश चौहान। और हमको ये रैनफोर्स थ्रेसर के बारे में, ये मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, इसके बारे में थोड़ा फीडबैक और रिव्यू देंगे कि हमारा ये थ्रेसर कैसा है और कैसा चल रहा है। नमस्ते किसान, मैं कैलाश चौहान ग्राम कुटनासर तहसील वाड़ी जिला रायसेन मध्य प्रदेश से हूं। और ये रैनफोर्स कंपनी का थ्रेसर मैंने कल ही ख़रीदा और आज इसको फील्ड पे, इसका ओपनिंग डे है और आज मैं इसको टेस्टिंग डे के रूप में आज इसको इसकी शुरुआत की है। और ओवरऑल मुझे अभी तक एक दो घंटे में इसका फीडबैक ठीक लगा। इसको अपने पास से इसको जो दाने जो थ्रेसर जो दाना का निकाल रही है, मैं उसको दिखा रहा हूँ। इसका दाना टोटल फ्रेश आ रहा है और ये इसका ट्राली में स्टॉक है। ये इसका जो माल है बिल्कुल क्लियर है। और टोटल ये मशीन वाइब्रेशन भी नहीं कर रही है, बड़ा स्मूथ चल रही है ना। और वैसे इसको ये जो धान है गीली है, गीली होने के बाद भी ये मतलब बेहतर काम कर रही है। अगर इसको और सुखा लें तो ये शायद और अच्छी तरीके से ये काम करेगी। हाँ, तो भूसा फेंकने का जो सिस्टम है, एक मिनट आगे बढ़ना है ना, ये भी काफ़ी है। ये इसका सिस्टम है। इससे आगे मतलब इसमें यहाँ भी दाना नहीं जा रहा है। ये देखिए आप, इसका ये दाना बिल्कुल साफ आ रहा है, ठीक है। और इसका जो वेस्टेज मटेरियल है प्यार, वो भी काफ़ी दूर जा रहा है, जिससे हमें दो लेबर की बचत हो जाती है, इसे बार बार उसको दूर नहीं करना पड़ता। और ये इसमें लेबर भी मतलब कुल मिला के 10-15 लेबर आराम से काम करती है, क्योंकि एपीसीडी जा रहा होने के कारण इसमें पर्याप्त मतलब लेबर भी इसमें हाँ लग रही है। मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि इस थ्रेसर को आप खरीद सकते हो। और ये मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, इससे आप चने, गेहूं, मूंग, मक्का और ज्वार और जो दूसरी फसलें गेहूं वगैरह भी इससे आप निकाल सकते हो। और हमारे यहाँ जो मवेशी के लिए जो भूसा की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि मल्टी क्रॉप करने की वजह से एक थ्रेसर सारे काम कर रही। सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें ये है और मैंने इसको इसी पर्पज़ से ख़रीदा है। बाकी थ्रेसर तो बहुत सारे मॉडल है, लेकिन मल्टी क्रॉप इसलिए लिया है कि मतलब हमें हर सीज़न पे गेहूं के सीज़न में अलग थ्रेसर ख़रीदना पड़ता है, धान के सीज़न के अलग खरीदना पड़ता है, मूंग के सीज़न के लिए अलग खरीदना पड़ता है। लेकिन ये मल्टी क्रॉप होने की वजह से एक थ्रेसर सारे काम कर सकती है। आपने फिर रैनफोर्स को ही क्यों चुना? रैनफोर्स के बारे में चूँकि ये जो थ्रेसर है रामपुरा फूल भटिंडा जिला पंजाब की, ये इसके जो पुराने मॉडल हैं हमारे यहाँ काफ़ी पहले से चल रहे थे। और मतलब ये इतने लेटेस्ट मॉडल तो नहीं थे, लेकिन पुराने मॉडल थे, लेकिन उनकी वर्क कैपेसिटी भी अच्छी थी। इसलिए इसके बारे में मैंने इसको 2-3 दिन इसका अध्ययन किया और मुझे इसका तो ओवरऑल इसके फंक्शन और इसकी थ्रेसर की क्वालिटी, इसका इसके जो इसका जो मैकेनिज्म है उसको तब प्लान बनाया। किसान भाइयों, मैं बस ओवरऑल इस थ्रेसर से संतुष्ट हूँ और ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस थ्रेसर को ख़रीद सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो थ्रेसर है वो रैनफोर्स रामपुरा फूल का मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, जिससे आप बहुत सारी फसलें निकाल सकते हैं, जैसे गेहूं, धान, चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द, जीरा। और ये इसका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, किसान भाइयों जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें जो ट्रैक्टर इस्तेमाल किया गया है वो न्यू हॉलैंड 3630 है, जो कि 55 HP ट्रैक्टर है। और इसमें आप 50 हॉर्स पावर से प्लस कोई भी ट्रैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, व्हील और चैन बेल्ट, इस तरह इसमें ट्रैक्टर से थ्रेसर के लिए PTO शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए। और ये इसका थ्रेसिंग चलना है। अगर इसमें वाइब्रेशन देखें तो बहुत ही कम वाइब्रेशन है। और इस थ्रेसर की जो पुआल फेंकने की कैपेसिटी है वो लगभग 35 से 40 फिट है, इससे आप 35 से 40 फिट पुआल गिरता है। और इसका ये दाना है जो कि बिल्कुल क्लीन है, इसको आप डायरेक्ट
मंडी में ले जा सकते हैं और आपको इसमें कोई सफाई की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप जैसा कि आप ट्रॉली में देख सकते हैं कि बिल्कुल एक नंबर का दाना है, इसको आप सीधा मंडी ले जा सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आपने अभी कैलाश चौहान का जो किसान भाई है इनका रिव्यू देखा, और हमारा जो रेनफोर्स का थ्रेसर है ये मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, इसे आप गेहूं, धान, चना, ज्वार और मूंग, मसूर, अरहर, जीरा, इस तरह की फसलें निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, कैसी लगी वीडियो? यदि पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अंकल, आपने हमारा ये थ्रेसर देखा अभी और चलाया, तो आपको कैसा लगा थ्रेसर? बढ़िया चल रही है। अच्छी कैसा है? अच्छा। और आप सजेस्ट करेंगे लोगों को अगर कोई खरीदना चाहे तो रेनफोर्स थ्रेसर? बढ़िया बताएंगे। बढ़िया है ना? हाँ ठीक 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 है सर।